आखिर जिद क्या है मुझसे फरहाद? मेरी किसी से कोई जिद नहीं है। ये जिद नहीं है तो फिर क्या है फरहाद? मैं तुम्हें यूं रुलता हुआ नहीं देख सकती। मैं आज आखिरी इल्तिजा लेकर आई हूं तुम्हारे पास, फिर नहीं आ सकूंगी तुमसे मिलने। पहरे बढ़ते जा रहे हैं मुझ पर, मान रख लो मेरा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझसे जान मांगो, यहां सामने रख दूंगा। वापस जाने का मत बोलना। मैंने इस बात को मान लिया है कि तुम मेरे मुकद्दर में थी ही नहीं, लेकिन प्लीज अब मुझे यहीं पे पड़े रहने दो। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दे भी तो नहीं सकती थी, एक झूठा वादा भी नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे एक वादा जरूर करूंगी फरहाद, इस जहान में हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। मेरे इस वादे पर तो यकीन करोगे ना? ऐसी नाजुक दिल दे लोगा, साड़ा दिल ना यूं दुखाया कर। ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। तैनू कितनी बार आख्या है मैनू वल वल ना आजमाया कर। तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। Thank you.
पास ज्यादा वक्त नहीं है, जाना होगा मुझे। तुम चाहते हो मैं उम्र भर खुद का सामना ना कर सकूं? यूं ही खुद से लड़ती रहूं और मर जाऊं? ठीक है, यही सही। क्यों चाहूंगा कि तुम खुद से शर्मिंदा रहो? अगर इसमें तुम्हारी खुशी है कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां वो मैं पूरी करके जाना चाहता हूं। कोई मेरे आश्रय पे सब कुछ बिखरा छोड़ के चला गया, वो वापस आ जाए, मैं उनको सब कुछ लौटा दूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। माता, वादा। मैं उम्र भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना। वाह माही जी, वाह माही जी, आप और यहां मेरे और आपके रास्ते कितनी बार टकराएंगे अब? सिकंदर साईं से मिलने से पहले ही आप मना कर चुकी हैं। क्या इस दर के दरवाजे भी बंद करवाना चाहती है मेरे लिए? मैं कौन होती हूं किसी पर दर बंद करने वाली? भला मुझे ऐसा इख्तियार कहां? इख्तियार तो सारे आप ही के पास है माही जी। और साईं आप कमाल है, आपकी एक नजर ने कितनों को खाक किया। आज एक महलों की शहजादी को आपके कदमों में बैठे देखा है मैंने। वाकई सबसे बड़ा बादशाह इश्क है। हम सब तो कनीजे हैं, खादमाए हैं, मिट्टी में अटी फकीरनियां। सुनिए शहजादी, आज मेरे दिल में आपके लिए अकीदत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज मुझे एहसास हो गया है कि आप भी सिर्फ रिश्ते ही निभा रही हैं। मजबूर और बेबस मेरी तरह अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का हौसला रखती हैं आप, तो जाइए, आज से मेरी दुआओं के हिसार में आपको भी शामिल कर लिया है मैंने।